गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल बिल्डिंग गुड गाइस। सो आज का हॉल होने वाला है क्रीवा हॉल। सो ये पार्ट टू है। पार्ट वन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे लहंगा चोली दिखाए हैं। सो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। और जितने भी आइटम्स है वो मैंने क्रीवा.com से मंगाई है। सो क्रीवा गाइस स्पेशलाइज है लहंगा चोलीज एंड सलवार सूट के लिए। वेबसाइट पे चल रही है इंट्रोडक्टरी सेल अप टू 50% ऑफ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी क्रीवा.com की एंड प्रोडक्ट्स की। सो चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक्स के लिए। और प्रीपेड ऑर्डर पे आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। इजी एक्सचेंज पॉलिसी भी है। सो कस्टमर सपोर्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको लहंगा चोलीज एंड सलवार सूट दिखाऊंगी। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर करना, लाइक कर देना गाइज एंड कॉमेंट जरूर से करना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। माय फर्स्ट आइटम इज दिस पाइनएप्पल येलो लहंगा जैकेट स्टाइल लहंगा चोली है ये गाइज, जिसपे आपको ऑल ओवर थ्रेड वर्क मिरर वर्क मिल रहा है। स्लीव पे सेम वर्क मिल रहा है, फ्रंट पे बैक पे राउंड नेक के साथ है। स्लिट वाली ये जैकेट है, फ्रंट पे पूरी कट है एंड आप देख सकते हैं कि नीचे को बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बॉर्डर है जिसपे थ्रेड वर्क सीक्वेंस का वर्क बना हुआ है। बहुत अच्छी क्वालिटी की वर्क करी हुई है इस पर। बैक पे भी आपको सेम ऑल ओवर वर्क मिल रही है, मतलब पूरी जैकेट पे ऑल ओवर वर्क है जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। इसका मटेरियल जॉर्जेट है, बहुत ज़्यादा खिलकर आ रही है। हाफ में आपको इनर लाइनिंग भी मिल रही है एंड ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ ये लहंगा आ रही है, लहंगा पे आपको इनर मिलेगा बट केनकेन नहीं मिलेगा, जो कि जैकेट के हिसाब से बिना केनकेन के ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इस पर आपको दुपट्टा भी मिल रहा है जिसपे ऑल ओवर मिरर का वर्क है और साइड पे आपको पूरी मोती का वो जरकन जो होता है लटकन लेस लगी हुई है पूरे दुपट्टे पे, जो कि बहुत गॉर्जियस लग रही है। टोन पे टोन गाइज, कलर येलो पे येलो, मतलब मेरा दिल आ गया इस लहंगा चोली पे। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा ये पसंद आई है। थोड़ी मुझे लूज़ हो रही है, हाँ मैं अगर इस पर फिटिंग करा के पहनूंगी तो और ज़्यादा बेटर लगेगी। आप लुक देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। किसी भी हल्दी पार्टी के लिए गाइज इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट आइटम है दिस रूबी रेड जॉर्जेट बेस रेशम वर्क लहंगा चोली। सो सेमी स्टिच लहंगा है गाइस ये, और रेड एंड बीच कलर गोल्डन कलर का बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। लहंगा में पूरा ऑल ओवर थ्रेड वर्क करा हुआ है, दुपट्टे पे थ्रेड वर्क है और लहंगे पे ये छोटी छोटी सी प्लेट्स बनी हुई है जो बहुत ही अच्छी बहुत सुंदर लग रही। घेर इसकी बहुत अच्छे से आ रही है। बेल्ट पे भी आपको थ्रेड वर्क मिल रहा है। ऑल ओवर लहंगा पे आप देख सकते हो कि फुल थ्रेड वर्क मिल रहा है, रेड पे रेड बहुत सुंदर क्वालिटी और कलर लग रही है। मैं आपको इस पर फुल इनर लाइनिंग मिल रही, क्रेप मटेरियल है। उसके साथ ही आती है ब्लाउज जिसपे फुल थ्रेड वर्क करा हुआ है। स्लीव्स इसकी प्लेन है, स्लीव्स पे वर्क नहीं है और बैक पे भी आपको फुल थ्रेड वर्क मिल रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग आप ब्लाउज स्टिच करा सकते हैं, आपको सेमी स्टिच मिलेगी। और दुपट्टे पे आपको चारों तरफ रेड बॉर्डर मिल रही है, जो लहंगा का जो थ्रेड वर्क है सेम, और पूरे दुपट्टे पे छोटी बूटियाँ बड़ी बूटियाँ थ्रेड वर्क की बनी हुई, जो कि दुपट्टा बहुत अच्छे क्वालिटी की है। और सेमी स्टिच लहंगा चोली मिलेगी आपको। इस प्राइस वगैरह स्क्रीन के साइड पर मैं लगा रही हूँ। दुपट्टे पर बहुत शाइनिंग है, आप देख सकते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोजअप आपको दिखा रही हूँ कि जब आपको एक्चुअल में रिसीव होगी तो ये पसंद आएगी। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, रेड मुझे कहीं ना कहीं येलो के बाद बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। और इस पर केनकेन नहीं है, इसी वजह से इस पर बहुत अच्छी फ्लेयर नहीं बन रही है। मैंने सिर्फ इसे मोड़ कर दिखाया है, इसलिए इसकी फ्लेयर आपको भी कम दिख रही है, बट जब आप इसे प्रॉपरली स्टिच कराओगे तो इसकी फ्लेयर बहुत अच्छी लगेगी। माई नेक्स्ट आइटम में दिस मिरर वर्क ऑलिव ग्रीन कॉटन बेस्ड गाउन। सो बहुत ही ब्यूटीफुल ऑलिव ग्रीन कलर की गाउन है ये, जिसपे ऑल ओवर मिरर वर्क करा हुआ है। फुल स्लीव्स पे मिरर वर्क करा हुआ है एंड जितने फ्रंट पे बैक पे एज इट इज मिरर वर्क है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। एंड बेस्ट पार्ट है गाइस की ये कॉटन मटेरियल है, बिल्कुल भी इचिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत कम्फर्टेबल है। पूरी प्लीट्स बनी हुई है गाउन पे, नीचे को आप घेर देख सकते हो कि मैं बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ कि कैसी लग रही है ये। घेर इसकी कितनी है, इनर लाइनिंग के साथ है, कॉटन का इनर लाइनिंग है गाइस। सो बेस्ट पार्ट है कि बहुत कंफर्टेबल है कॉटन के इनर लाइनिंग। बैक पे भी सेम आपको वर्क मिल रही है, घेर भी अच्छी है। ये मुझे थोड़ी लूज हो रही है, अगर आप मैं इसे फिटिंग कराऊंगी अपने साइज की तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगी।
मटेरियल एक नंबर है, कलर मुझे स्पेशली इसका बहुत ज़्यादा पसंद आया और मिरर वर्क इन दिनों बहुत फैशन में भी है, तो मुझे ये गाउन अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट पे ज़रूर से बताना। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और प्राइस वगैरह आपको स्क्रीन के साइड पे मैं साथ ही साथ मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट आइटम इज इस मैजेंटा पिंक जॉर्जेट फेस्टिवल ट्रेंडी सलवार सूट। सो सेमी स्टिच सलवार सूट है गाइस ये, जिसपे बहुत ही ब्यूटीफुल सा थ्रेड वर्क करा हुआ है ऑल ओवर कुर्ती पे, फ्रंट पे आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत टोन पे टोन, अगेन मेरी फेवरेट है जब इस तरीके की थ्रेड वर्क टोन पे मिलती है। एंड आपको नेकलाइन राउंड है और उस पर आपको गोल्डन वर्क मिल रहा है जरी का, जो बहुत ज़्यादा नीट एंड फाइन फिनिशिंग के साथ है। स्लीव्स आपको प्लेन मिल रही है, जॉर्जेट मटेरियल है, फुल स्लीव्स इस पर आराम से बन जाएगी। और बैक आपको पूरी प्लेन मिल रही है और ये एक्सल तक, डबल एक्सल तक इसकी फिटिंग चल जाएगी गाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना फिनिशिंग के साथ इनर लाइनिंग अटैच करा हुआ है, आप बहुत ही ईजिली इसे स्टिच करा सकते हो, ये इतने बढ़िया से बनाकर दिया गया है। और इस पर आती है ये इलास्टिक वाली पैंट, रेडीमेड पैंट है इस पर, जिसपे इनर लाइनिंग आपको क्रेप मटेरियल की मिल रही है, मतलब इनर लाइनिंग के साथ पैंट स्टिच है, जो बहुत ही कम्फी है। बहुत ज़्यादा मटेरियल इसका अच्छा है, जॉर्जेट एंड क्रेप का मटेरियल है, पैंट तो लुक देगी इस पर, एक्सल तक आराम से ये साइज़ आ जाएगी। एंड इस पर ये दुपट्टा आ रही है जिस पर जरी का छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं, लंबाई चौड़ाई मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत अच्छे से, जॉर्जेट मटेरियल है। न्यूली मैरिड के लिए गाइज ये परफेक्ट कुर्ती सेट है, बहुत अच्छी लगेगी जिनके अभी अभी शादी हुई है, ये कलर बहुत खिलकर आएगी, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आई। प्राइस वगैरह मैं स्क्रीन के साइड पे आपको मेंशन करती जा रही हूँ। माय नेक्स्ट आइटम इज दिस टील ग्रीन जॉर्जेट कुर्ती सेट एंड सेमी स्टिच कुर्ती सेट है ये। आपको राउंड नेकलाइन मिल रही है जिसपे पूरी कुर्ती पे ये फ्लावर्स बने हुए हैं पिंक रेड एंड गोल्डन कलर के, जिसका वर्क जो है वो बहुत नीट एंड फाइन है गाइस। तो पूरी कुर्ती पे इस तरीके से वर्क बने हुए, नीचे आपको लेस मिल रही है, स्लीव पे आपको सेम वर्क मिल रही है जो मैं बहुत ही क्लोजली आपको दिखा रही हूँ, इसका वर्क कितना ज़्यादा नीट एंड फाइन है। कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितना खिलकर आ रही है। बैक पूरी प्लेन है, अगेन अटैच इनर लाइनिंग आपको मिल रही है, बहुत अच्छे से अटैच किया हुआ इनर लाइनिंग है, डबल एक्सल तक आराम से आप इसे स्टिच करा सकते हैं। जॉर्जेट मटेरियल है कुर्ती की और इनर लाइनिंग की आपको क्रेप मटेरियल मिल रही है। सो नेक लाइन इसका खुला हुआ था तो मैं इसे डालकर दिखा रही हूँ कि ये कलर कितना खिलकर और कितना ब्यूटीफुल लगेगा। और दुपट्टा इस पर चारों तरफ आपको गोल्डन लेसेस मिल रही है दुपट्टे पे, जॉर्जेट मटेरियल है, दुपट्टे का मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और प्लेन दुपट्टा जिसपे ये लेसेस लगी हुई जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। एंड इस पर आती है शरारा, जो इलास्टिक आपको दोनों तरफ मिल रही है शरारा पे, और यहाँ पे आपको प्लीट्स मिल रही है शरारा पे, अगेन जॉर्जेट मटेरियल है, और नीचे आपको सेम जो दुपट्टे पे लेस लगी हुई है, सेम लेस लगी हुई है शरारा पे भी, एक्सल तक आराम से फिटिंग आ जाएगी इनर लाइनिंग के साथ है, फुल इनर लाइनिंग शरारा पे है, क्रेप मटेरियल है। 100% रेकमेंड करूंगी मुझे ये वाली, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट पे ज़रूर से बताएं। गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना एंड कमेंट करना कि कौन सी लहंगा अच्छी लगी या फिर आपको सूट अच्छी लगे, कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय गाइज़।